में दे देंगे। हाँ जी, लालू यादव तेजस्वी यादव के फ्री, मतलब लालू यादव तेजस्वी यादव को 1 करोड़ वाला भैंसा भाई फ्री में दे जी, फ्री में। तो 1 करोड़ रुपया तो आपका घाटा हो जाएगा जी। ना घाटा होगा, लालू जी के मानते हैं नेता, तेजस्वी जी के नेता मानते हैं तो दे देंगे। बहुत खर्चा किए होंगे इस? बहुत खर्चा जी है, 30,000 का महीना पर खर्चा है। मतलब 30,000 रुपया महीना में इसका खर्चा है बस भैंसे पर? जी जी। कितना में इसको बेचेंगे, दाम इसका कितना है? 1 करोड़। 1 करोड़ जी। क्या नाम है इसका? गोलूराज टू। क्या खिलाते हैं इसको? खिलान पिलान में है गेहूं, बूट, चना, सवा खुराक और किशमिश भी 1 किलो, हफ्ता में आधा किलो घी, मक्खन हफ्ता में आधा किलो। 1 करोड़ रुपया कुछ ज्यादा नहीं है? कोई सोचेगा कि आखिर इस भैंसे में है क्या ऐसा कि 1 करोड़ रुपया में आप बेच रहे हैं? खासियत जी बहुत सा है इसमें जो है, इससे जो सेमन जो है पड़ेगा भैंस में, वो जो प्रेग्नेंट होगा 20 से 25 किलो दूध निकालेगा। मुर्रा नस्ल के जो भैंसा है सबसे हार्ड क्वालिटी। अभी हम बिहार के पटना जिला में हैं और आपको बता दें कि बिहार के पटना में एक भैंसा हमारे सामने है। ये इस भैंसे को देख सकते हैं, इस भैंसे को आप मामूली भैंसा मत समझिएगा। एक बार आप भैंसे को अच्छे तरीके से दिखाइए, थोड़ा आप हट जाइए, इस भैंसे को एक बार अच्छे तरीके से आप देख लीजिए। इस भैंसे को आप जो है कि एक मामूली भैंसा मत समझिएगा। इस भैंसे का नाम गोलूराज टू है और इस भैंसे का दाम जो है कि 1 करोड़ रुपया है। इसको अच्छे तरीके से आप दिखाइए, इस भैंसे का दाम जो है कि 1 करोड़ रुपया है। पूरा इसका बॉडी देखिए, कितना तगड़ा भैंसा है और कितना बड़ा भैंसा है। इस भैंसे को एक बार आप अच्छे तरीके से देख लीजिए, बहुत ही तगड़ा भैंसा है और इस भैंसे का दाम 1 करोड़ रुपया है और इस भैंसे का नाम गोलूराज टू है। अगर कोई भी इस भैंसे को खरीदना चाहता है तो कोई भाई मामूली व्यक्ति नहीं खरीद सकता। अगर 1 करोड़ रुपया आपके पास है तो आप इस भैंसे को खरीद सकते हैं। बाकी भैंसे के मालिक यही है, इनसे बातचीत करेंगे और पूछने का प्रयास करेंगे। क्या नाम होगा आपका? नसीब लाल यादव। अच्छा ये बताइए, ये इतना तगड़ा भैंसा आपने जो है कि कैसे बना दिया? बहुत खर्चा किए होंगे इस? बहुत खर्चा जी है, 30,000 का महीना पर खर्चा है। मतलब 30,000 रुपया महीना में इसका खर्चा है बस भैंसे पर? जी जी। कितना में इसको बेचेंगे, दाम इसका कितना है? 1 करोड़। 1 करोड़ जी। क्या नाम है इसका? गोलूराज टू। अच्छा ये बताइए कि ये कितने दिन का भैंसा हुआ? 20 महीना। 20 महीने का हो गया जी। अच्छा ये जो भैंस है इसी का बच्चा है? हाँ, क्या सुधा रानी के बच्चा है। ये देख सकते हैं, इस भैंस को भी आप देख सकते हैं, ये सुधा रानी का बच्चा है। इसको जो है कि सोनपुर मेले में ये सबसे टॉप भैंस गई हुई थी और इसका भी बहुत तगड़ा जो है कि दाम लग रहा था। इसका लोग कितना दे रहा था पैसा? 4 लाख। 4 लाख रुपया जी। 4 लाख भैंस को दे रहा था जी, सुधा रानी के 4 लाख में रहा था, तो नहीं बेचे। तो आप क्यों नहीं बेचे? नहीं बेचे कि अभी रखना है गोलूराज टू के चलते। अच्छा इसके चलते नहीं बेचे? नहीं बेचे। अब इसको बेचना है जी? हाँ गोलूराज टू बिकेगा। अच्छा ये बताइए, 1 करोड़ रुपया आप इस भैंसे का दाम रखे हैं, 1 करोड़ रुपया कुछ ज्यादा नहीं है? कोई सोचेगा कि आखिर इस भैंसे में है क्या ऐसा कि 1 करोड़ रुपया में आप बेच रहे हैं? खासियत जी बहुत सा है इसमें जो है, इससे जो सेमन जो है पड़ेगा भैंस में, वो जो प्रेग्नेंट होगा 20 से 25 किलो दूध निकालेगा। मुर्रा नस्ल के जो भैंसा है सबसे हार्ड क्वालिटी है, इससे बहुत अच्छा जी रहेगा। मतलब इस भैंसे से जो भैंस जो है कि पाल खाएगी, जो भैंस प्रेग्नेंट होगी इस भैंसे से, तो उसका बच्चा जो होगा अगर वो भैंस होती है, पाड़ी होती है, तो वो 20 से 25 लीटर दूध देगी। 20 लीटर निकालेगी, 20 से 25 लीटर। झूठ तो नहीं बोल रहे हैं, सच बात है ना? सच है, मुर्रा सबसे टॉप नस्ल में। तो गाय का एक अलग बात होता है कि गाय जो है कि 20-25 लीटर 15 लीटर दूध दे सकती है, भाई भैंस इतना लीटर दूध कैसे दे सकती है? भैंस सबसे मुर्रा नस्ल में वन आता है, अब मुर्रा नस्ल से 20 से 25 आराम से निकालेगा। अच्छा इसकी माँ सुधा रानी कितना दूध देती थी? 20 से 25। 20 से 25 लीटर वो दूध दे देती? हाँ हाँ, सुधा रानी दे। सही बोल रहे हैं? हम सही। झूठ तो नहीं बोल रहे हैं ना? झूठ ना। अच्छा इसको कहाँ बेचना चाहते हैं आप? ऐसे तो हरियाणा और हरियाणा में लोग ज्यादा इसके शौकीन रहते हैं। हरियाणा जाएगा, राजस्थान में बिक्री होगा, क्योंकि पैसा हरियाणा और राजस्थान के लोग इतना ज्यादा इसको देंगे, बिहार में कोई नहीं खरीदेगा। बिहार में नहीं होती? बिहार में नहीं खरीदेगा ना? राजस्थान में चल जाएगा तो बिक जाएगा। तो आपके पास कैसे लोग पहुंचेगा, कैसे आपसे खरीदेगा ये आपका जो है कि गोलूराज टू भैंसा जी? वही वीडियो से जी। आपका नंबर वंबर कुछ क्या है? नंबर जी है। तो नंबर याद है आपको जी? बोल दीजिए। 9006283911। ये बताइए कि अगर किसी को खरीदना हो, ये आगे आ जाइए, अगर किसी को दिखाइए एक बार इस भैंसे को, जिस भैंसे का नाम गोलूराज टू है, इस भैंसे को थोड़ा आप जो है कि एक बार खोल के खूंटा से चला के दिखाइए, इधर करिए। इस भैंसे को अगर आपको खरीदना है तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, वो देख सकते हैं नंबर और ये खुद वो नंबर बोले भी। ये बहुत ही लाजवाब भैंसा है और बहुत ही तगड़ा भैंसा है। 30 से 35 हजार रुपया इस भैंसे का महीना का खर्च है और 25 से 30 हजार, 30 से 35 हजार रुपया जो है कि इस भैंसे में खर्च में लगा देते हैं। आइए थोड़ा
लेके आइए, आप दिखाते रहिएगा थोड़ा। चलिए देखिए इस भैंसे को कितना लाजवाब भैंसा है, और एक बार चारों तरफ से आप देखिए इसका, देखिए चेहरा देखिए, पैर देखिए कितना तगड़ा तगड़ा और मोटा मोटा पैर है इस भैंसे का, बॉडी देखिए कितना तगड़ा ये जो है कि इसका बॉडी है, और ये जो है कि 1 करोड़ वाला भैंसा है, बिहार का पहला ऐसा भैंसा जिसका दाम 1 करोड़ रुपया है। अगर कोई खरीदना चाहता है तो आगे खरीद सकता है, और इस भैंसे का नाम गोलू राज 2 है। देखिए कितना शानदार भैंसा है। अच्छा ये बताइए जो है कि लल्लू यादव या तेजस्वी यादव आके अगर लेना चाहे तो दे देंगे उनको? जी फ्री में मिल जाएगा। फ्री में दे देंगे? हाँ जी, लल्लू यादव तेजस्वी यादव के फ्री, मतलब लल्लू यादव तेजस्वी यादव को 1 करोड़ वाला भैंसा भाई फ्री में दे जी, फ्री में। तो 1 करोड़ रुपया तो आपका घाटा हो जाएगा जी। ना घाटा होगा, लालू जी के मानते हैं नेता, तेजस्वी जी के नेता मानते हैं तो दे देंगे। तो लल्लू यादव तेजस्वी यादव आते हैं तो उनको फ्री में 1 करोड़ वाला भैंसा दे दे भाई। पक्का? राम पक्का, एकदम पैसा नहीं लेंगे? ना मजाक तो नहीं ना कर रहे हैं? ना ना। देखिए ये सबसे बड़ा खुलासा और सबसे बड़ी बात है, ये 1 करोड़ वाला भैंसा गोलू राज 2 को लालू यादव या तेजस्वी यादव आते हैं तो एकदम बिल्कुल फ्री में दे देंगे। कहा है मतलब आप यादव जी हैं, वो भी यादव जी हैं, इसलिए ना नेता मानते हैं कि लालू यादव हमने के हैं, मतलब नेता मानते हैं इसलिए, आप लोगों के लिए काम किए हैं इसलिए। हाँ काम किए हैं, काम किए हैं। अच्छा सोनपुर मेला में ये भैंसा जाएगा? जी सोनपुर मेला में। पहले नहीं बिकता है तो सोनपुर मेला में जाएगा? जी सोनपुर मेला में जाते हैं। अगर सोनपुर मेला से कोई आके खरीदना चाहे तो ये भैंसा खरीद सकता है? जी खरीद। दाम उस समय कम तो नहीं ना हो जाएगा? ना ना, 1 करोड़। 1 करोड़ बल्कि ऊपर बढ़ जाएगा? हाँ 1 करोड़ से बढ़ सका है। 1 करोड़ से बढ़ के कितना हो जाएगा? 1.5 करोड़। 1.5 करोड़। अरे वाह भाई बताइए, ये तो बहुत बड़ा बिजनेस है। 20 महीने का ये भैंसा है और 30 से 35 हजार रुपया महीने का इस भैंसे का खर्च है। अच्छा ये भैंसा मारता नहीं है? नहीं सुधा दम है ये, गोलराज 2 एकदम सुधा मुरा नस्ल के दम। इसको हम सहला सकते हैं हमारे का नहीं? एकदम सुधा जी। बहुत सच में बहुत शांत ये भैंसा है, 1 करोड़ वाला भैंसा है, कितना तगड़ा है दिखाइए उधर से आप। इसके सींग पे जो है कि पूरा तेल वेल लगाया गया है, पूरा सेवा पानी आप लोग करते हैं? खूब सेवा कर। क्या खिलाते हैं इसको? खिलान पिलान में गेहूं बूट चना सवा कुरा के और किशमिश भी 1 किलो, हफ्ता में 1/2 किलो घी, मक्खन हफ्ता में 1/2 किलो। अच्छा जैसे दिन का इसका खाने का खुराक क्या है, एक दिन में क्या क्या कितना कितना खिलाते हैं? एक दिन में 5 किलो के लगभग अनाज एक टाइम। अच्छा 5 किलो के लगभग एक टाइम अनाज देते हैं? अनाज। किशमिश कितना खिलाते हैं? किशमिश 1 किलो सुबह शाम मिला के, सुबह शाम मिला के 1 किलो खिला देते? 1 किलो चना, 1 किलो गेहूं, 1 किलो मूंग। इतना खर्चा? चोकर चोकर, मतलब 30 से 35 हजार सच में महीने का खर्चा है? खर्चा है हाँ, 30 से 35 हजार महीने में खर्चा है। और सेवा करे वाला अलग। अच्छा ये बताइए, इससे पहले इतना महंगा भैंसा आप बेचे हैं? जी ना। इतना लगभग कितना तक बेचे हैं इससे पहले? न पहले इससे न बिकली, इससे पहले शुरू जी है बेचे है न। आप भैंस बेचे हैं कोई महंगा एकदम? महंगा जी बिकली न, 1.4 लाख मिला सुधारानी के सोनपुर में, 4 लाख ने न बेचे। 4 लाख में नहीं बेचे? न 4 लाख में आपको मतलब कम लगा क्या? जी भैंस तो जी 7 लाख 8 लाख तक बिक जाता है, क्योंकि नहीं बेचना नहीं है। और इससे जो है कि जो भैंस इससे अगर बच्चा देगी, इससे जो है कि प्रेग्नेंट होगी जो भैंस, वो जो है कि 20 से 25 लीटर वो भी 25 लीटर दूध देते हैं? 20 से 25 लीटर? हाँ 20 से 25 लीटर। देख सकते हैं इस भैंसे को, और देखिए देखने के लिए पूरा जो है कि भीड़ लग गया, बहुत बच्चा लोग आ गया है देखने के लिए। और ये मामूली भैंसा नहीं है, ये 1 करोड़ वाला भैंसा है। इसको सीधे तौर पे गोलू राज 2 को हम 1 करोड़ वाला भैंसा बोल सकते हैं, और बहुत ही शांत भैंसा है। और देख सकते हैं कि बॉडी इसका कितना तंदुरुस्त है और चमक रहा है, एकदम लाइट मार रहा है। अगर कोई लेना चाहे तो ले लीजिए, ये बिहार के पटना जिला में है। कहाँ पे आप रहते हैं? बिहार के पटना जिला में भीरोड़ियारा रामनगर। बीरोरियारा रामनगर में आके इस भैंसे को खरीद सकते हैं, नहीं तो कॉल कर सकते हैं। हरियाणा वाले लोग अगर हमारे वीडियो को देख रहे होंगे तो इस भैंसे के बारे में आप लोग क्या बोलेंगे, बिहार के लोग क्या बोलेंगे, एक बार जरूर बताइएगा। बाकी आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।